वी आर कवरिंग इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स इन दिस में हमने एच पैरामीटर्स कवर किए थे ओके हाइब्रिड पैरामीटर्स कवर किए थे अभी उसका इनवर्स है जी हाइब्रिड okay? में क्या होता था वी वन और आई टू को रिप्रेजेंट किया जाता था इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड वी अभी यहाँ पे उल्टा है वी वन की जगह I1 है और आई टू के जगह वी है ओके okay? तो यहाँ पे आई और वी को एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ वन एंड आई टू सो so, इक्वेशन ऐसे बनेंगे आई वन इक्वल टू जी वन वन वी वन प्लस जी वन टू आई टू एंड वी टू इक्वल टू जी टू वन वी वन प्लस जी टू टू आई टू ओके यू नो दैट कि कैसे होता है आई वन सपोज अगर फाइव वी वन है प्लस थ्री आई टू है तो जो वी वन का कोइफिशियंट है वो हो जाता है जी वन वन और जो आई टू का कोइफिशियंट है वो हो जाता है जी वन टू ओके सिमिलर फॉर वी टूज इक्वेशन ओके okay, तो अभी हम इस नेटवर्क के लिए जी पैरामीटर्स फाइंड करेंगे ओके okay? तो अभी टू मिनिमाइज दिस नेटवर्क आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस डिपेंडेंट करंट सोर्स सोर्स इनटू वोल्टेज ओके तीन तीन बार के वे लगाने से अच्छा है कि मैं ये ब्रांच एलिमिनेट करूँ ओके तो ये ब्रांच कैसे एलिमिनेट होगी इस करंट सोर्स को हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में तो वो इस ब्रांच में आ जाएगा तो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है वो चली जाएगी ओके okay? तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होती है आई आर फाइव आई वन इन टू रेजिस्टेंस वॉज वन ओ सो जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आई वो भी आई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है पहले मेश में केव एल लगाते हैं ओके नाउ अभी स्टार्ट करते हैं इसके जी पैरामीटर फाइन करते हैं तो फर्स्ट आई एम राइटिंग केवीएल इन धिस मेश ओके सो so, केवीएल इन वन, ओके सो वी वन की वैल्यू क्या है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर सो वन होम के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट आई वन प्लस इस रजिस्टर में से आई टू भी फ्लो हो रहा है और आई वन भी फ्लो हो रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आई विल राइट आई वन प्लस आई टू ओके सो यहाँ पे वी वन की वैल्यू क्या आएगी टू आई वन प्लस आई टू ओके फाइंड करना है वो मैं पहले यहां पर लिख लेती हूँ क्योंकि अभी कंफ्यूजिंग होने वाला है सेम जी टू वन वी वन प्लस जी टू टू आई टू ओके तो अभी जो यहाँ पे मिल रहा है ओके वी वन इक्वल टू टू आई वन प्लस आई टू अभी इसमें आई वन भी है मतलब आई वन है और वी वन आई टू चाहिए तो वी वन भी है और आई टू भी है तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है ओके okay? तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आई वन इक्वल टू हाफ वी वन माइनस हाफ आई टू ओके तो आई वन इन टर्म्स ऑफ वी वन एंड आई टू यही चाहिए था हमें आई वन चाहिए था वी वन और आई टू के टर्म्स में तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया ओके okay? तो ये हाफ है हमारा जीवन वन और ये माइनस हाफ है हमारा G12, टू okay? ओके अभी हमें मेश टू में केवियल लगाना है इन ओके okay? तो अभी यहां पे वी टू की वैल्यू क्या आएगी इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू प्लस इन दोनों का ड्रॉप ओके सो फाइव आई वन प्लस इसमें से आई टू फ्लो हो रहा है आई राइट आई टू प्लस इसमें से दोनों करेंट्स फ्लोर रहे आई वन आई टू सो आई विल राइट आई वन प्लस आई टू सो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे सिक्स टू आई टू ओके अभी हमें वी टू का इक्वेशन चाहिए ओके okay? अभी इस वी टू का इक्वेशन में अनवांटेड टर्म कौन सी है I1 है क्योंकि इस इक्वेशन में तो हमें I1 नहीं चाहिए V1 चाहिए ओके okay? सो so, हम इस अनवांटेड टर्म को रिप्लेस करेंगे डू वी हैव इक्वेशन ऑफ I1 यस वी हैवी जस्ट फाउंड इट ओके सो मैं ये आई वन अभी यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगी ओके okay, तो वी टू क्या हो जाएगा सिक्स हाफ वी वन माइनस हाफ आई टू प्लस टू आई टू ओके तो ये वी टू क्या हो जाएगा थ्री वी वन माइनस थ्री आई टू प्लस टू आई टू इक्वल टू थ्री वी वन माइनस आई टू सो अभी हमें वी टू का भी इक्वेशन मिल गया जिसमें सिर्फ v1 और i2 है तो v1 का कोइफिशियंट बन गया g21, ओके okay? और i2 का माइनस वन जो कोइफिशियंट है वो बन गया g22। तो अभी इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं सो आंसर इज G11, G12, G21, G22 इक्वल टू हाफ माइनस हाफ ओके इन दोनों के को थ्री और माइनस वन इन दोनों के कोएफिशिएंट G21 एंड G22 सो दिस इज आवर आंसर ओके दीज आर आर G पैरामीटर्स तो सर्किट अगर ऐसे सिंपल हो तो आप आसानी से जी पैरामीटर्स निकाल सकते हो बट अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हो तो आई विल सजेस्ट यू टू कन्वर्ट जेड पैरामीटर्स या जो भी है जैसे यहाँ पे ये कन्वर्जन मैंने पेस्ट किया है सो जीवन वन आपको अगर निकालना है और अगर आपको जेड पैरामीटर अच्छे से आता है तो आप जेड पैरामीटर को कन्वर्ट कर लो इन टर्म्स ऑफ जी ओके और इसके ए पैरामीटर का कन्वर्जन भी बहुत सिंपल है सी अपॉन है वन अपॉन है बी अपॉन है सो आई विल सजेस्ट कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क आए और अगर आपको जी पैरामीटर्स में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो इससे अच्छा है कि आप जेड जिसकी भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जेड वाई वॉट वो पैरामीटर पहले निकाल लें और उसको कन्वर्ट करें ओके सो फॉर कन्वर्जन यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मुलाज ओके कन्वर्जन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे ये टेबल याद रखनी है सो यू कैन वॉच दैट वीडियो टू बट आई होप जी पैरामीटर्स वॉज इजी टू अंडरस्टैंड आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ है ज्यादा मेश वन में केवियल लगाया पहला इक्वेशन मिल गया मेश टू में केवियल लगाया जो अनवॉन्टेड टर्म थी आई वन उसको रिप्लेस किया और दूसरा इक्वेशन मिल गया ओके सिंपल स्टेप्स सो दैट्स ऑल अबाउट हिस वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो मेरी पूरी प्ले लिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू